स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक ऑफ द ग्रामर सेक्शन, फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। आज हम वर्ब की फॉर्म्स करने जा रहे हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड पास्ट एंड द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट टाइम में यूज होने वाले जो फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट यानी मीन्स जो काम हमारा हो चुका पास्ट टाइम में हुआ है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड द पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स जो काम हमारा थोड़े समय पहले ही ख़त्म हुआ है यानी कुछ समय पहले ख़त्म है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी थर्ड, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, आवर फर्स्ट फॉर्म इज़ राइट। राइट मीन्स प्रोनंसिएशन, ध्यान से सुनना हम उसे किस तरह से स्पीक आउट करेंगे। फर्स्ट है हमारा राइट। राइट मीन्स हिंदी मीनिंग भी मैं आपको साथ साथ डिफाइन कर रही हूँ, लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना। सेकंड फॉर्म होगी इसकी रॉट एंड थर्ड फॉर्म रिटन। राइट, रॉट, रिटन। ओके, सेकंड है हमारा लर्न। लर्न मीन होता है सीखना, सीखना। इसे हम बोलेंगे लर्नड। इसमें जो एन है वो साइलेंट रहेगा, लर्नड। एंड द थर्ड फॉर्म विल बी सेम, लर्नड। ओके, नेक्स्ट है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड। इसमें देखिए स्पेलिंग जो है हमारी सेम रहेगी सेकंड फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में भी, बट प्रोनंसिएशन क्या होगी हमारी, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फॉर्म विल बी रीड, सेकेंड रेड। इसे हम बोलेंगे रेड, इसे हम रीड नहीं बोलेंगे। सेकंड फॉर्म में जो यूज़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेड। थर्ड फॉर्म रेड। ओके, अगेन देखिए रीड, रेड, रेड। ओके, नेक्स्ट है हमारी कीप। कीप मीन्स होता है रखना, कीप। सेकंड फॉर्म विल बी कैप्ट, कैप्ट। थर्ड फॉर्म विल बी कैप्ट, सेम होगी कीप, कैप्ट, कैप। नेक्स्ट देखिए मेक। मेक मीन क्या होता है, बनाना। मेक, बनाना। जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते हैं दैट इज मेक। ओके, सेकंड फॉर्म मेड एंड थर्ड फॉर्म विल बी मेड, मेक, मेड, मेड। ओके, नेक्स्ट देखिए टीच। टीच मीन क्या होता है, पढ़ाना, टीच। इससे सेकंड फॉर्म देखिए टॉट, इसे हम क्या बोलेंगे, टॉट। एंड थर्ड फॉर्म विल बी सेम, टॉट। ओके, टीच, टॉट, टॉट। नेक्स्ट देखिए स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है, पढ़ना, स्टडी, पढ़ना। सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो स्टडीड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। अब देखिए यहाँ पर आया था रीड। रीड मीन भी पढ़ना होता है एंड स्टडी मीन्स भी क्या होता है, पढ़ना। अब डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम यूज़ करेंगे रीड का और कहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टडी का। रीड का यूज़ हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हम रेगुलर में नहीं करते, यानी जिससे लाइक हम न्यूज़पेपर हैं उसे हम रेगुलर रीड नहीं करते, उसके लिए यानी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रीड। बट जब हम कोई चीज़ कोई बुक या रेगुलर अपने स्टडी कर रहे हैं, कोई बुक को हम डेली उसे हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्टडी, आई स्टडी माई बुक। ओके, तो रीड के लिए जिस चीज़ को हम रेगुलर यूज़ में नहीं करते उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीड का, और जो रेगुलर यूज़ होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टडी का। ओके, नेक्स्ट देखिए बिकम। बिकम मीन्स होता है होना, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है, चलना। अब इसे हम वॉक नहीं बोलेंगे, इसमें जो एल है वो क्या रहेगा हमारा, साइलेंट। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। ई डी लग जाएगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में, यहाँ भी एल जो है साइलेंट रहेगा। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। नेक्स्ट देखिए सिट। सिट मीन्स होता है बैठना, सैट, सैट। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिट, सैट, सैट। नेक्स्ट देखिए हमारी वर्ब की फॉर्म क्या है, स्टैंड। स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़े होना, स्टैंड। स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। फाइंड, फाइंड मीन्स क्या होता है, ढूंढना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ओके,
नेक्स्ट देखिए सेंड, सेंड मीन क्या होता है, भेजना, सेंट, सेकेंड फॉर्म क्या होगी हमारे सेंट, पास्ट में जो यूज होगी सेंट, एंड थर्ड फॉर्म सेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए फील, फील मीन क्या होता है, महसूस करना, हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को मुझे फील हुआ, महसूस करना, फेल्ट, एंड थर्ड फॉर्म फेल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, कहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ द सेम जब हम टेंसेस करेंगे, बिकॉज हमारी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है वो डिपेंड होती है हमारे टेंसेस, यानी हमारे जो टेंसेस होते हैं वो डिपेंड होते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर। जब तक आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लियर नहीं होगी तब तक आप टेंसेस अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें बताएंगे कि जो सेम होती है उसका हम यूज़ कहाँ पर और कैसे करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए बिगिन, इसे क्या बोलेंगे हम, बिगिन, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, ओके। बिगिन, बिगन, इसे हम बोलेंगे बिगेन, बिगन, बिगेन, बिगेन, बिगन, ओके। कम, कम का मीनिंग तो सबको पता है, कम मीन्स आना। केम, सेकेंड फॉर्म केम, एंड थर्ड फॉर्म कम, कम, केम, कम। गो मीन्स जाना। वेंट, सेकेंड फॉर्म इसकी होगी वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट देखिए लिसन, लिसन मीन क्या होता है, सुनना, लिसन, सुनना, listened, listened, okay। Next देखिए bend, bend means होता है झुकना, किसी के सामने जब हम झुकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, bent, bent, second form क्या होगी, bent, and third form bent, okay। Next देखिए sell, sell mean क्या होता है, बेचना, बेचना, and second form देखिए sold, second form क्या होगी, sold, and third form sold, sell, sold, sold, ओके। दैट इज़ अवर फॉर्म्स ऑफ वर्ब।